नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संध्या सक्सेना है। जैसे आप मुझे जानते हैं, मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष और आध्यात्म चैनल से हूँ और हमेशा आपको भगवान के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, ग्रहों के ऊपर और पूजा पाठ के ऊपर कोई ना कोई वीडियो देती रहती हूँ। जैसे कि आप मुझे जानते हैं कि मैं कुंडली रीडर हूँ और हस्तरेखा रीडर हूँ, मैं फ़ोटो रीडर हूँ और लोगों का चेहरा पढ़ती हूँ, उनके हाथों को देखती हूँ, उनकी कुंडलियाँ देखती हूँ। इसके अलावा पूजा पाठ या कोई भी अगर काम कराना हो तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क करते हैं। बहुत सारे लोगों को पिछले 4 साल से हम सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, और उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमारी जो वशीकरण सीरीज चल रही है, मैंने पहले हनुमान जी वशीकरण, शिव वशीकरण और बहुत से वशीकरण के वीडियो उपाय दिए हुए हैं और आज उसी के चलते मैं एक काली माता का उपाय बताने जा रही हूँ। उपाय को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, और साथ में अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और कोई समस्या हो तो 8126476399 नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं। तो आते हैं हम अपने उपाय पे। तो करना क्या है, माँ कालिका का ध्यान करना है। रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच में ये उपाय हो सकता है, 11 से 1 के बीच में भी हो सकता है, लेकिन काली की पूजा अक्सर रात में ही होती है। दिन रहेगा मंगलवार या शनिवार, आपको कालिका माँ का स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको 27 लौंग लेनी है और 1 कपूर लेना है, बहुत सारा कपूर लेना है। इसके अलावा गुड़ और चना लेना है, या फिर आप कोई और प्रसाद ले सकते हैं काली माँ के लिए। आपको काली माँ के आगे एक जोत लगानी है तिल के तेल की, उसमें 2 लौंग डाल देनी है, साथ में कपूर को जला देना है, 27 लौंग माता के समर्थ रख देनी है समक्ष पे, और फूल लाल रंग के चढ़ाकर, चाहे आप गुड़हल का लीजिए, चाहे आप गुलाब का लीजिए, इस तरह से आपको देवी की पूजा करनी है। और उसके बाद आपसे बोलना है कि हे देवी माँ, मैं अमुक श्री भगवान गणेश को साक्षी मानकर आपके निमित्त अपनी पूजा, अपनी प्रार्थना को लगाने जा रहा हूँ। मेरी इच्छा है, फला फला मेरी इच्छा है जो पूरी हो जाए। मैं अमुक, मेरे पिता का नाम अमुक या मेरे पति का नाम अमुक, और मेरी फला फला मनोकामना इसको पूर्ण करने में मेरी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मुझे मेरी गुरु जो है संध्या जी, जिन्होंने ये उपाय बताया है और उन्होंने कहा है कि इसको करने से मनोकामना पूर्ण होती है, तो इसलिए मैं गणेश जी को समक्ष मान के प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मेरे गुरु की मनोकामना पूर्ण करें। इस तरह से आप प्रार्थना करें, क्योंकि गुरु का भी नाम लेते हैं। फिर उसके बाद आप जय गणेश जी, जय गणेश जी, जय गणेश जी 3 बार नाम बोलकर फिर आपको ये पूजा लगानी है। मंत्र क्या रहेगा बता देती हूँ। ओम नमो आदेश माता पिता गुरु को, आदेश काली माता को, धरती माता आकाश पिता को, ज्योत पर ज्योत जलाऊं, ज्योत पर ज्योत चढ़ाऊं, ज्योत काली का माता को मन की इच्छा पूर्ण कर सिद्धि कराकर दुहाई महादेव की। ये मंत्र मैं आपको लिख के भी दूंगी, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। और जब आप इसे स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको कपूर जला देना है, याद रखना है, आपको कपूर की ज्योत पर ध्यान रखना है, इसलिए कपूर की ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। और आपको 108 बार इस मंत्र को बोलना है। आप इसको अपने घर पे करेंगे रात को, अगर 11 से 1 के बीच में करते हैं, मंदिर में जाके कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। और इसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलना है। और कपूर बिल्कुल भी बुझना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए जब तक आपकी पूजा चल रही है। और आप माता का, जब आपका काम मंत्र पूरा हो जाए तो फिर से अपनी मनोकामना बोलिएगा, क्षमा प्रार्थना लीजिएगा, हे देवी अगर स्पीच में मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। आपको इस प्रेयर को लगातार 21 डेज तक करनी है, और आपको ये देखना है कि ये खंडित ना हो, इसलिए 21 दिन तक आप लगातार कीजिए इस प्रार्थना के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। भगवान लक्ष्मी, भगवान गणेश, 33 करोड़ देवी देवता और नवग्रह नव दुर्गा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें, आप पे कृपा बसाएं और आपको बहुत खुशियाँ दें। इसी विश्वास के साथ मैं अब आपने इस चैनल को, इस वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।